धन्यवाद देवी सरस्वती, जन कल्याण के कार्यों में इतनी व्यस्त रहती हूँ कि कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिलता। अब क्या करूँ, मेरा नाम ही लक्ष्मी है, धन और वैभव की देवी हूँ। सारा विश्व आदर करता है मेरा, घर घर में मेरा स्वागत होता है। जहाँ जहाँ पहुँच जाती हूँ, सुख संपत्ति और वैभव अपने आप पहुँच जाते हैं वहाँ। ये सत्य है देवी कि आप सुख संपत्ति और वैभव की देवी हैं। ये भी सत्य है कि घर घर में आपका स्वागत होता है। किंतु किंतु क्या देवी सरस्वती? किंतु आप कहीं टिकती नहीं, स्थिरता नहीं है आप में, इसलिए तो संसार आपको चंचला कहता है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, आप एक क्षण में रुष्ट हो जाती हैं और एक क्षण में तुष्ट। आज आप यहां हैं तो कल वहां, किंतु मैं ऐसी नहीं हूं। मैं तो ज्ञान और विद्या की देवी हूं। मैं एक बार जिस मंदिर में प्रवेश कर जाती हूं, वहां सदा के लिए स्थापित हो जाती हूं। किंतु मेरे बिना किसी को जीवन का सुख नहीं मिलता। मैं धन हूं देवी सरस्वती, और निर्धनता सबसे बड़ा अभिशाप है। धन तो मैं भी हूं देवी लक्ष्मी, अंतर इतना है, आपका दिया हुआ धन तन के लिए है और मेरा दिया हुआ धन मन के लिए है। आपका दिया हुआ धन कोई भी चुरा सकता है, छीन सकता है, किंतु मैं तो विद्या हूं, ज्ञान हूं, मुझे ना तो कोई चुरा सकता है ना छीन सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरा दिया हुआ धन जितना भी बांटिए उतना ही बढ़ता है। देवी सरस्वती, आप जानती हैं राजा को राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास मैं हूं। आप भूल रही हैं देवी लक्ष्मी, राजमुकुट का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक उसके पीछे राज तिलक का आधार ना हो, बल ना हो, संस्कार ना हो। और राज तिलक के पीछे शक्ति होती है मंत्र की, विद्या की, ज्ञान की। और सत्य तो ये है देवी लक्ष्मी कि जिसके पास मेरी दी हुई बुद्धि की शक्ति ना हो, उसके पास आपका दिया हुआ धन भी नहीं रह सकता। देवी सरस्वती, आपके पास थोड़े शब्दों की कमी नहीं, आप तो बस वाणी ही वाणी है देवी लक्ष्मी। शब्द जब मंत्र बन जाता है तो उसमें दिव्यता आ जाती है। वाणी का जब विद्या से मेल होता है तब वो कंठ की शोभा बन जाती है और संसार उसे सुनने के लिए व्याकुल हो उठता है। वाणी अमृत है, वो सुगंध है जो होठों पर आकर वातावरण को धन्य कर देती है। देवी सरस्वती, सत्य तो ये है कि मेरे आने से उदास वातावरण आनंदमय हो जाता है, रोते हुए मुख हंसने लगते हैं। और वो बात तो आपने अवश्य सुनी होगी कि भूखे पेट भजन भी नहीं होता। देवी सरस्वती, आप कुछ भी कह लीजिए, मैं श्रेष्ठ हूं। देवी, ज्ञान और धन में यदि कोई श्रेष्ठ है तो वो है ज्ञान, क्योंकि ज्ञानी की पूजा तो राजा भी करता है। अतः श्रेष्ठ मैं हूं। आप श्रेष्ठ हैं या मैं, हम दोनों इस विवाद में ना पड़कर इसका निर्णय भगवान विष्णु पर छोड़ते हैं कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। मुझे स्वीकार है तो चलिए। प्रणाम देवी सरस्वती। प्रणाम। अरे देवी गंगा तो पहले से ही यहां उपस्थित है। हे देवी लक्ष्मी, आप मुझे स्वयं यहां लेकर आई हैं। आपने मुझे आसन तक ग्रहण करने को नहीं कहा। क्या विष्णु लोक में अतिथियों का सत्कार इसी प्रकार किया जाता है? क्षमा करें देवी सरस्वती,
देवी लक्ष्मी तो श्री नारायण के हृदय में निवास करती है और मुझे अपने चरणों में रहने का अधिकार स्वयं श्री हरि विष्णु ने ही दिया है। और रही आपकी बात, तो आपके लिए तो सदैव यहाँ स्थान की कमी रहती है। ये समस्या मेरी नहीं, आप ही की है। मैं अतिथि हूँ और नियमानुसार आपको अपना स्थान छोड़कर मुझे स्थान देना चाहिए। देवी सरस्वती, मैं तो अपना स्थान छोड़ने की सोच भी नहीं सकती। और मैं अपना स्थान छोड़कर कहाँ जाऊंगी, तो आप मुझे यहाँ लाई क्यों? अब तो ये बात मुझे स्वयं श्री हरि से पूछनी पड़ेगी कि यहाँ मेरा स्थान कहाँ है। किंतु इस समय ये संभव नहीं है देवी सरस्वती, वे योग निद्रा में है। मैं उन्हें जगाऊंगी और मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दूंगी। आप घोर अपमान कर रही हैं मेरे देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी सत्य ही तो कह रही हैं। देवी गंगा, मैं जानती हूं कि आप इनकी हां में हां क्यों मिला रही हैं। मैं ये भी भली भांति जानती हूं कि वो कौन है जो मेरे विरुद्ध आपके कान भरता रहता है। भला मेरे कान कौन भरेगा? देवी गंगे हो ना हो, देवी सरस्वती का संकेत मेरी ओर है। इन्हें संदेह है कि इन्हें चढ़ाने के लिए मैं आपको उकसाती हूं। संदेह नहीं देवी लक्ष्मी, मुझे पूर्ण विश्वास है। ये सरासर अन्याय है देवी सरस्वती। ये बात मैं भलीभांति जानती हूं कि आप भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान पाने के लिए सदैव ही व्याकुल रहती हैं। किंतु नीलकमल ने यह स्थान स्वयं मुझे दिया है। पर आप देवी लक्ष्मी से व्यतिरिष्ट हो रही हैं। गंगा सत्य कह रही है देवी सरस्वती। हाँ, गंगा तो सत्य ही कहेगी ना। मैं आप दोनों के षड्यंत्र को, इस अभिनय को भली भांति जानती हूँ। देखिए देवी सरस्वती, यदि आपके मन में देवी लक्ष्मी के लिए कोई दुराग्रह है तो कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे व्यवहार में लाना है। गंगे, आपको व्यवहार में लाने की क्या आवश्यकता है मुझे? मैं स्वयं इतनी सक्षम हूं कि अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपनी योग्यता से एक दिन श्री हरि के चरणों में ही नहीं, हृदय में स्थान प्राप्त कर लूंगी। नहीं देवी सरस्वती, नहीं, वो दिन कभी नहीं आएगा। उनके हृदय में मेरा निवास है और कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मुझे श्री हरि के हृदय से कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा, तो आप मुझे चुनौती दे रही हैं देवी लक्ष्मी। देखिए देवी सरस्वती, आपका विवाद देवी गंगा से आरंभ हुआ और अब आपने अपने क्रोध का लक्ष्य मुझे बना लिया। देवी, यदि आपको मुझसे ईर्ष्या है कि मैं ऐश्वर्य और वैभव की देवी हूं, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। यह स्थान तो मुझे स्वयं आदिशक्ति परमेश्वरी ने दिया है। अच्छा, तो बहुत अहंकार है आपको अपने वैभव और अपने ऐश्वर्य पर। तो जाइए देवी लक्ष्मी, मैं आपको इस स्थान से अर्थात विष्णु लोक से दूर करती हूँ। देवी सरस्वती जाइए, मैं आपको शाप देती हूँ। नहीं देवी सरस्वती, आप विष्णु लोक छोड़कर धरती पर चली जाएंगी और वहां तुलसी हो जाएंगी और आपका संबंध भगवान विष्णु से समाप्त हो जाएगा और धरती पर आपका विवाह किसी असुर से होगा। देवी सरस्वती, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया? आपका विवाह तो मुझसे था और आपने देवी लक्ष्मी को श्राप दे दिया। ये अनर्थ मैं सहन नहीं करूंगी। जाइए, मैं भी आपको श्राप देती हूं कि आप धरती पर नदी बनकर प्रकट होंगी। जाइए, नीचे उतर जाइए। देवी गंगे, आपने देवी लक्ष्मी के लिए मुझे श्राप दिया, तो मैं भी आपको श्राप देती हूं कि आप श्री हरि के चरणों से निकलकर धरती पर नदी बनकर उतरेंगी और अधिक से अधिक पापियों के संपर्क में आएंगी। आप पापियों से घिरी रहेंगी। ओम श्री लक्ष्मी देवाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी देवाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी देवाय नमः।
श्री लक्ष्मी देवाय नमः। ओम 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 श्री लक्ष्मी देवाय नमः। मैंने आपको इतना अधिक चिंतामग्न पहले कभी नहीं देखा। हे कमल लोचन, आप तो यूं ही योग निद्रा में थे। आपको तो ज्ञात भी नहीं होगा कि यहां देवी सरस्वती ने पधारकर क्या अनर्थ कर दिया। नहीं नहीं, मुझे तो कुछ भी ज्ञात नहीं, परंतु अनर्थ क्या हुआ? हे कमल लोचन, कहां मैं और कहां वो, और वो मुझे शाप देकर चली गई। श्राप? आपको श्राप? क्या श्राप दिया उन्होंने आपको? मानव योनि में जन्म लेने का। प्रिय, ये तो कोई श्राप ना हुआ, ये तो विधि ने पहले से ही रच रखा है। कदाचित आप ये नहीं जानते कि राजा धर्मध्वज आपको पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए आप ही की तपस्या कर रहे हैं। यदि आप उनका कष्ट देखेंगी तो आपका हृदय पिघल जाएगा और आपको उन्हें वर देना ही पड़ेगा। तनिक देखिए तो कि राजा धर्मध्वज की क्या स्थिति है। वन में तपस्या करते करते उनके शरीर पर धूल मिट्टी ने अपना डेरा जमा रखा है। वे कभी भी किसी भी भयानक वन्य प्राणी का आहार बन सकते हैं। आप तो करुणामयी है ना, जाने आपका ध्यान राजा धर्मध्वज की ओर क्यों नहीं है। ओम श्री लक्ष्मी देवाय नमः। 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 श्री लक्ष्मी देवाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी देवाय नमः। ओह, हे कमल लोचन, महाराज धर्मध्वज तो सचमुच बड़े कष्ट में हैं। उनकी ये दशा देखी नहीं जा रही है मुझसे। मैं तो इसी समय जाकर उन्हें वरदान दे दूं, किंतु मैं आपके इस किंतु को भली बात समझता हूं देव। आप इस संकोच में हैं कि पृथ्वी पर जाकर आप में सारे गुण मानव वाले आ जाएंगे। हाँ कमल लोचन, और मैं आपसे दूर हो जाऊंगी और सारी दैवी शक्तियां भी मुझसे छिन जाएंगी। ये बात तो है, किंतु मानव में एक विशेष गुण तो है कि वो अपनी तपस्या के द्वारा कुछ भी प्राप्त कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राजा धर्मध्वज को आप पुत्री के रूप में उसकी तपस्या के द्वारा प्राप्त होंगी। हाँ, ये सत्य है, किंतु हे कमल लोचन, आपको मुझे सहयोग देना होगा। संसार में मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी। हे प्रिय, आपसे दूर तो मैं भी नहीं रह सकता। मैं आऊंगा, आपके लिए अवश्य आऊंगा, क्योंकि आपको इस श्राप से मुक्त करने के लिए तो मुझे आना ही होगा, नहीं तो मेरा यह वैकुंठ अपनी शक्ति के बिना सूना सूना लगेगा। फिर आज्ञा दीजिए कमल लोचन, मैं प्रस्थान करती हूं। श्री लक्ष्मी देवा
आपकी तपस्या पूरी हुई। हे राजन, मैं ऐश्वर्य तथा वैभव प्रदान करने वाली लक्ष्मी हूँ। बताइए, आपकी क्या मनोकामना है? हे देवी लक्ष्मी, आपको मेरा प्रणाम। देवी, मैं संतानहीन हूँ। संतान की कामना से मैं आपकी तपस्या कर रहा था। मैं जानती हूँ कि आप मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन तपस्या कर रहे थे। आपके स्थान पर कोई और होता तो वो मुझसे वैभव मांगता, संपत्ति मांगता, पुत्र की कामना करता, किंतु आपने पुत्री की कामना करके संसार में नारी का गौरव बढ़ाया है। कन्या की कामना करके आपने ये सिद्ध कर दिया कि पुत्र और पुत्री दोनों ही समान होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता। अतः मैं आपको आपका मनवांछित वरदान देती हूँ। मैं निश्चित समय पर आपके परिवार में जन्म लूंगी और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि पुत्री की कामना करके आप गौरव और श्रद्धा के पात्र बनेंगे। मैं पुत्री रूप में इसका ध्यान रखूंगी। हे देवी, मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। नहीं नहीं महाराज, अब आप मेरे चरण नहीं छू सकते, क्योंकि पिता पुत्री के लिए श्रेष्ठ है और मैं आपकी पुत्री होने का वरदान आपको दे चुकी हूं। प्रणाम पद्मनाभ। देवी गंगे। हाँ पद्मनाभ, आपको तो अभी धरती पर जाना होगा, क्योंकि आपके श्राप से देवी सरस्वती धरती पर बहने वाली नदी के रूप में जा चुकी हैं। हे पद्मनाभ, उन्होंने मेरे प्रति और देवी लक्ष्मी के प्रति घोर अन्याय किया है। वो थार क्षेत्र को जल देने गई है, किंतु एक दिन थार मरुभूमि बन जाएगा। अपने क्रोध पर अंकुश लगाइए गंगे, जाना तो आपको भी पड़ेगा धरती। वहां प्रयाग नाम की नगरी में आपका, यमुना और देवी सरस्वती का संगम होगा। किंतु हे पद्मनाभ, मैं पृथ्वी पर नहीं जाना चाहती। प्रभु, मेरे साथ अन्याय हुआ है। देवी सरस्वती ने मुझे श्राप देकर पापियों की कृपा दृष्टि पर छोड़ दिया है और मुझे आपके चरणों से दूर कर दिया है। प्रभु, नहीं देवी गंगे, उन्होंने क्रोध में ही सही, किंतु आपको बहुत उच्च स्थान दिलवा दिया। उन्होंने तो आपको पापनाशिनी बना दिया। आपके स्पर्श मात्र से पापियों के पाप धुल जाएंगे। आपको धरती पर ले जाने की भूमिका बनने वाली है। मैं जानता हूं आप विष्णु लोक छोड़कर नहीं जाना चाहते, किंतु अब यह संभव नहीं। महादेवी लक्ष्मी धरती पर श्राप के अनुसार तुलसी के रूप में जन्म लेने का निर्णय कर चुकी है। आपको धरती पर जाने ही आदि प्रजापति। हे आदि प्रजापति। देवी गंगे, आप। हे आदि प्रजापति, आप मुझसे रुष्ट होंगे, किंतु ये जानते हुए भी मैं आपके दर्शन करने आई हूं। देवी गंगे, सत्य तो यह है कि मैं आपसे रुष्ट नहीं हूं। विष्णु लोक में जो कुछ भी हुआ उसका उत्तरदायित्व केवल देवी सरस्वती पर ही है, और इसी कारण उन्हें देवलोक छोड़कर मानव लोक जाना पड़ा।
किंतु आपने अपने आने का कारण नहीं बताया। हे आदि प्रजापति, श्राप तो मुझे भी मिला है, किंतु मैं आपसे विनती करने आई हूं कि आप मुझे ब्रह्मलोक में निवास करने दें। मुझे निराश मत कीजिएगा। नहीं देवी गंगे, मैं आपकी बात नहीं टालूंगा क्योंकि आप शरणागत हैं, किंतु मैं जानता हूं कि आपको धरती पर जाना ही होगा और उसके लिए आप विवश कर दी जाएंगी, क्योंकि देवी सरस्वती का शाप अपना प्रभाव तो दिखाएगा अवश्य। हे आदि प्रजापति, जब वो अपना प्रभाव दिखाएगा तब दिखाएगा, किंतु तब तक तो आप मुझे अपने कमंडल में स्थान दे दें। यदि आप विधाता से ये कहने आई हैं कि वो भविष्य नहीं जानता तो मैं आपके भ्रम को नहीं तोड़ूंगा, किंतु होगा वही जो मैंने कह दिया। अब आइए और अपनी इच्छा पूर्ति हेतु इस कमंडल में प्रवेश कीजिए। कमल लोचन, अब विदा का समय है। देव, विधाता की यही योजना है कि मेरी और आपकी लीला सदैव चलती है। आप जब भी धरती पर उतरेंगे मुझे भी उतरना ही होगा, इसी प्रकार जब भी मैं अवतार लूंगा मुझे आपका सहयोग भी मिलता रहेगा। आपके बिना मुझे बहुत अकेलेपन की अनुभूति होगी भगवान। मैं और आप दो होकर भी एक ही, हमें अधिक समय तक एक दूसरे से अलग नहीं रखा जा सकता। हो सकता है यह भी विधाता की योजना का एक अंग हो। आज्ञा दीजिए भगवान। पुत्री, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। धीरज रखो, धीरज रखो। आप शांति से बैठ जाइए, आप इतने अधिक विचलित क्यों हैं? संतान के आने की अधीरता तो सबको होती है। महामंत्री, मेरे विचलित होने का कारण कुछ और ही है। मैंने वर्षों देवी लक्ष्मी की तपस्या की और उन्होंने मुझे वर दिया कि वो पुत्री रूप में मेरे कुल में जन्म लेंगे, किंतु चिंता का विषय तो यह है कि वो इस बार भी जन्म लेंगी या नहीं। सच पूछिए महामंत्री जी, मैं पुत्र चाहता ही नहीं। महाराज, महाराज, बधाई हो महाराज, बधाई हो, एक कन्या रथ में जन्म लिया है। ओ धाइमा, ये लीजिए, कन्या रथ ने नहीं साक्षात देवी लक्ष्मी ने मेरे घर जन्म लिया है। माँ, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। माते, मैं आपके दर्शन के लिए आ रहा हूँ। माते, 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 माते,
माते। मुझे क्षमा कर दीजिए माते, मैं एक साधारण मानव हूं। मैं इस संदेह में पड़ा हुआ था कि आप मुझे दर्शन देंगी या नहीं। मैं आभारी हूं, मैं आपका आभारी हूं, आपने मुझे धन्य कर दिया। महाराज, मैं हार गई और आप जीत गए। मुझे पुत्र होने की संभावना थी, किंतु आपका विश्वास विजयी हुआ। लीजिए महाराज, आपकी पुत्री। संबंधों से तो आप मेरी पुत्री हैं, किंतु भावनाओं से आप मेरी माता हैं। देखो महारानी, देखो, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। इनके रूप की कोई तुलना नहीं की जा सकती। पुरोहित जी आकर कोई भी इनका नामकरण करें, किंतु मैं तो इन्हें तुलसी ही कहूंगा। महाराज, इस कन्या का इससे अधिक सुंदर नाम हो ही नहीं सकता। शरणागत दीनार्थस्य परित्राण परायण सर्वस्य गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस शुभ अवसर पर पूरे राजमहल में दीप उत्सव किया जाएगा, सारे नगर को सजाया जाएगा, सारी प्रजा को राज के समारोह में आमंत्रित किया जाएगा। हे माता, आपका इस महल में स्वागत है, आपने मुझे धन्य कर दिया। नारायण नारायण। नारद का प्रणाम स्वीकार हो प्रभु। आइए देवर्षि, पधारिए। हे प्रभु, आप यहां हैं और आप दानव दंभ के घर जन्म भी ले चुके हैं, किंतु माता कहां है? प्रभु, मुझे तो यहां सब कुछ बड़ा विचित्र सा दिख रहा है। देवर्षि, आपने एक साथ इतने अधिक प्रश्न कर दिए कि मुझे उनका उत्तर एक एक करके देना पड़ेगा। जहां तक महादेवी का प्रश्न है, तो उन्होंने राजा धर्मध्वज के यहां देवी सरस्वती के श्राप के कारण तुलसी के रूप में जन्म लिया। हे प्रभु, माता लक्ष्मी को तो श्राप के कारण दूसरा जन्म लेना पड़ा, किंतु आपने उस दानव पुत्र में अपना अंश क्यों डाल दिया? प्रभु, ये कैसी लीला है, ये कैसा रहस्य है? देवर्षि, गोलोक वृंदावन में सुदामा नाम का एक गोप हुआ है। उसे श्री कृष्ण प्रिया राधा ने राक्षस होने का श्राप दे दिया। अब मुझे देवी लक्ष्मी की मुक्ति के लिए उस राक्षस में अपना अंश डालना पड़ा। प्रभु, किंतु आपने उसी दानव में अपना अंश क्यों डाला? इसलिए देवर्षि कि ब्रह्मा जी ने तुलसी के भाग्य में जो वर लिखा है, वो वर दानव शंखचूड़ होगा। नारायण नारायण। हे लीला पुरुष, मैं समझ गया, किंतु आपकी इस लीला को देखने के लिए मुझे वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। नहीं देवर्षि, ब्रह्मा जी की लेखनी के अनुसार देवी तुलसी जन्म लेने के पश्चात ही बड़ी हो जाएंगी, और यही स्थिति दानव कुमार शंखचूड़ की भी रहेगी। प्रभु, मैं बड़ी व्याकुलता से इस लीला को देखने की प्रतीक्षा करूंगा, मुझे आज्ञा दें, मैं चलता हूं। नारायण नारायण। ये महाराज, महाराज, महाराज। महारानी, आप सह कुशल तो है ना? कुशल ही तो नहीं है महाराज। हमारी पुत्री तुलसी तो सब कुशल है ना? महाराज, अब मेरे साथ चलिए और स्वयं देखिए उसे। अब बताइए ना क्या हुआ है। महाराज, बड़ा ही विचित्र दृश्य है। वो इस प्रकार बड़ी होती चली जा रही है कि ऐसा लगता है कुछ ही पलों में वो युवा कन्या हो जाएगी। ये आप क्या कह रही हैं?
चलिए हम चलकर देखते हैं। आइए। जाने के पश्चात बालिका स्वयं पालने से नीचे उतर आई और अब देखिए। आप रुक जाओ, आप देख रही हैं, मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे घर साक्षात लक्ष्मी ने जन्म लिया है। माता, हम पर कृपा दृष्टि रखना। पिताश्री, माताश्री, आयुष्मती भाव, आयुष्मती भाव, आप मेरे माता पिता हैं, मेरे जन्मदाता हैं। मेरे साथ ये जो कुछ भी हुआ इसका रहस्य तो मैं भी नहीं जानती। पुत्री, तुमने बाल्यकाल से युवा काल की अवस्था कुछ ही पलों में तय कर ली। तुम्हारे साथ तो कितना बड़ा चमत्कार हुआ है, मेरा तो हृदय कांप रहा है। अब इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं, फिर आप मुझसे भयभीत क्यों हैं? माता यदि संतान से भयभीत होगी तो संतान कहां जाएगी? नहीं नहीं मेरी पुत्री, मैं तो इसलिए घबरा गई कि वर्षों की तपस्या के पश्चात तुझे प्राप्त किया हमने, यदि तुझे कुछ हो जाता तो। माते, इस समय मेरे हृदय में न जाने क्यों भगवान श्री विष्णु के दर्शन की इच्छा हो रही है। पुत्री, ये तो बहुत ही स्वाभाविक है। क्या स्वाभाविक है पिताश्री? अभी कुछ ही समय पहले मैंने जन्म लिया, देखते देखते ही मैं युवा हो गई, और अब भगवान श्री विष्णु के दर्शन की इच्छा मन में क्यों उत्पन्न हुई मैं ये भी नहीं जानती। पुत्री, ये तो बहुत ही पावन इच्छा है। चलो मैं तुम्हें अभी विष्णु मंदिर ले चलता हूँ, आओ। महारानी, आप राजकुमारी का श्रृंगार करें और मैं राजकुमारी के विष्णु दर्शन का प्रबंध करता हूं। आओ पुत्री। प्रणाम पिताश्री। आप तो स्वयं माता लक्ष्मी हैं, तो आपके मन में भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा तो होगी ही। आप जैसी पुत्री का पिता होने के नाते अब मैं इस उलझन में पड़ गया हूं कि आपके लिए वर कैसे ढूंढूं। सभासद सुने, दानव कुलभूषण दानवाधिपति महाराज दंभ पधार रहे हैं। आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप सबको भलीभांति इसका ज्ञान है कि राजकुमार शंखचूड़ अपने जन्म के पश्चात तुरंत किस प्रकार देखते ही देखते बड़े हो गए
अरे ये एक चमत्कार है और मेरे लिए विशेष प्रसन्नता का विषय है। कदाचित संसार में प्रथम बार ऐसा हुआ है कि कोई शिशु देखते ही देखते युवक बन गया हो। मेरे लिए स्वर्ण अवसर है कि इस अवसर पर मैं राजकुमार शंखचूड़ को युवराज घोषित कर दूं। ठहरिए पिताश्री। राजकुमार शंखचूड़ की जय। 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 आयुष्मान भाव पुत्र, दानव कुल में कदाचित तुम प्रथम दानव हो जो किसी अधिकार प्राप्ति के प्रति उदासीन है। वैसे हम दानों में तो अधिकार छीन लेने की प्रथा है। मैं तुम्हें युवराज घोषित करने जा रहा था, फिर तुमने मुझे रोक क्यों दिया? पिताश्री, मैं इस सिंहासन को प्राप्त करने से पहले कुछ शक्तियां प्राप्त करना चाहता हूं। मैंने असुर कुल गुरु शुक्राचार्य से विचार विमर्श भी किया है और उन्होंने भी मुझे तप करने का परामर्श दिया है। राजकुमार का कथन सत्य है महाराज। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। कुल गुरु, मैं अपने पुत्र के सिर पर शीघ्रातिशीघ्र राज मुकुट देखना चाहता हूं और आप उसे संन्यास का मार्ग दिखा रहे हैं। हाँ दानव राज दंभ, मैं आपका कुलगुरु हूं, किंतु ज्योतिष संहिता के जनक महान आचार्य भृगु का पुत्र भी हूं। यदि आपने तप करने से पहले राजकुमार शंखचूड़ को सिंहासन सौंप दिया तो मुझे खेद है कि आपको। आपको क्या कुलगुरु, आगे कहिए, कहिए ना कुलगुरु। आपको राजकुमार की मृत्यु का शोक सहना पड़ेगा। नहीं, नहीं गुरुदेव। हां दानव राज, यदि आपको अपने कुल गुरु पर विश्वास है तो मैं राजकुमार शंखचूड़ को जो मार्ग दिखाना चाहता हूं उस मार्ग पर आप उसे चलने दीजिए। पिताश्री, मैंने दानव कुल में जन्म लिया है। मैं दानवों की कीर्ति पताका आकाश में लहराती हुई देखना चाहता हूं। कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिस पर आप गर्व कर सकें। ये सब तो ठीक है पुत्र, किंतु महाराज अब किंतु और परंतु का समय नहीं है, ये निर्णय की घड़ी है। राजकुमार को इसी मुहूर्त में तप के लिए जाना चाहिए। पिताश्री, मैं माता श्री की अनुमति ले आया हूं, केवल आपकी अनुमति पाना शेष है। पुत्र, ऐसी परिस्थिति में मेरे समक्ष तुम्हें अनुमति देने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। चलिए राजकुमार, मैं आपको कुछ अंतिम निर्देश देना चाहता हूं। जैसा आपका आदेश कुलगुरु। राजकुमार शंखचूड़ की जय। गुरुदेव शुक्राचार्य की जय। 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 Thank you.
आओ पुत्री आओ, हम तुम्हारे विषय में बात कर रहे थे। क्या बात है, आज हमारी पुत्री चिंता मग्न है? नहीं पिताश्री, मैं तो विचार मग्न हूं। हाँ, मैं आप दोनों को अवश्य ही चिंता मग्न करने आई हूं। क्या बात है पुत्री? मेरे मन में नारायण को ढूंढने की, उन्हें पाने की इच्छा घर करती जा रही है। मैं ये राजसुख त्याग कर हिमालय पर तपस्या करने जाना चाहती हूँ। ये तूने क्या कह दिया पुत्री? तुम्हें हमारे यहाँ कौन सा कष्ट है जिसके निवारण के लिए तुम नारायण का तप करने जाना चाहती हो? माताश्री, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं, और आप जैसे माता पिता तो संसार में विरलों को ही प्राप्त होते हैं, परंतु जन्म लेते ही न जाने मुझे श्री नारायण को पाने की इच्छा क्यों हुई। मुझे उनके दर्शन के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यदि आपने मुझे तप के लिए जाने की अनुमति नहीं दी, तो ये समझ लीजिए कि मुझे इस महल में दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। जीवन मेरे लिए बोझ बन जाएगा। पुत्री, रुकिए महारानी, आप नहीं जानती, किंतु मैं पुत्री तुलसी की इच्छा से परिचित हूं। श्री नारायण की प्राप्ति की इनकी इच्छा अत्यंत स्वाभाविक है। पुत्री, कन्या होकर अकेले हिमालय पर तप कर पाओगी? एक बार फिर सोच लो। सोच लिया पिताश्री, मैं कन्या हूं तो क्या? उसी हिमालय पर भगवती पार्वती ने भगवान शिव के लिए ऐसी कठोर तपस्या की है कि उनका नाम ही उमा पड़ गया। पुत्री, हम तुम्हारी इच्छा शक्ति के आगे सिर झुकाते हैं। हम जानते हैं तुम क्या हो, तुम्हारे भीतर क्या क्या शक्तियां हैं। पुत्री, हम तुम्हें श्री नारायण की तपस्या करने की अनुमति देते हैं। पिताश्री, पिताश्री। पुत्री, कितनी रातें बीत गई हैं, मैं देख रहा हूं कि जैसे आपकी आंखों से निद्रा भाग गई है। मैं क्या करूं महाराज, जिसकी एकमात्र लाडली पुत्री हिमालय के भयानक हिमपात में तप कर रही हो, इतने कष्ट उठा रही हो, उस माता को भला नींद कैसे आ सकती है? आ
आप सत्य कह रही हैं महारानी, मुझे भी कई रातों से इसी चिंता ने घेर रखा है। अब मेरी आंखों में निद्रा नहीं, पुत्र शंखचूड़ की छवि सदा मेरी आंखों के सामने रहती है। महाराज, यदि ऐसा था तो आपने उसे तपस्या के लिए भेजा ही क्यों? उसे भेजा एक आशा से, तपस्या के लिए उसे भेजते समय मेरी आंखों में एक सपना पल रहा था। मैंने सोचा, महारानी, जब हमारे पुत्र को उसकी घोर तपस्या का वर मिलेगा, तब हमारा पुत्र और अधिक बलशाली हो जाएगा और अधिक प्रतापी हो जाएगा, और तब हमें देवताओं का कोई भय नहीं रहेगा। प्रजापति ब्रह्मा तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो वर, वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं धन्य हुआ। हे आदि प्रजापति, मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं। नहीं वत, मैं तुम्हें यह वर नहीं दे सकता, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अनिवार्य है। किंतु हे आदि प्रजापति, आज से पहले आपने कितने ही तपस्वियों को मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का वरदान दिया है। हां, दिया है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि मेरी तपस्या में कहीं कोई कमी रह गई है, या फिर वो अधूरी है। तभी तो आप मुझे इस वरदान से वंचित करना चाहते हैं। नहीं शंखचूड़, बस ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी तपस्या पूर्ण है, सब प्रकार से वरदान के योग्य है। जहां तक वरदान का प्रश्न है, वो तो मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो तुम जैसे तपस्वी का अधिकार है। किंतु मेरी इच्छा तुम्हें एक अनोखा वर देने की है, ऐसा वर जैसा न किसी ने मांगा हो और न किसी ने दिया हो। हे आदि प्रजापति, मैं समझा नहीं, आपकी बात बड़ी रहस्यमयी लग रही है। शंखचूड़, इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है, सब स्पष्ट है। तुम्हारी मृत्यु तभी होगी जब कोई तुम्हारी पत्नी का सतीत्व भंग करेगा। हे आदि प्रजापति, आपने तो सचमुच मुझे मनचाहा वर दे दिया। धन्य है आप, आपने तो मुझे अमरत्व प्रदान कर दिया। मैं विवाह ही नहीं करूंगा, फिर तो मेरी मृत्यु का प्रश्न ही नहीं उठता। नहीं वत, विवाह तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे भाग्य लेख में मैं विवाह लिख चुका हूं। हे आदि प्रजापति, आपसे बड़ा मेरा शुभचिंतक और कौन होगा? अब तो मेरी होने वाली पत्नी का चुनाव भी आप ही को करना होगा। अवश्य करूंगा, तथा अस्तु। ओम ब्रह्म देवाय
मैं आदि प्रजापति ब्रह्मा हूं। मानिए आपको क्या वर चाहिए? सौभाग्य, ऐश्वर्य, सुंदर वर? नहीं आदि प्रजापति, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर आपको क्या चाहिए? हे आदि प्रजापति, मुझे तो केवल श्री विष्णु को पाने की इच्छा है। मैं श्री हरि को प्राप्त करना चाहती हूँ। क्या बात है आदि प्रजापति? यदि आप समझते हैं कि इस वरदान के योग्य मेरी तपस्या नहीं है, तो मैं और अधिक तपस्या करने के लिए प्रस्तुत हूँ। लगता है मेरी साधना अधूरी है, अभी पूरी नहीं हुई। नहीं देवी तुलसी, ये बात नहीं। इतना कठिन तप तो आज से पहले भगवान शिव को पाने के लिए केवल देवी पार्वती ने ही किया था। यदि आप सचमुच श्री हरि को प्राप्त करना चाहती हैं, तो मुझे वचन दीजिए कि मैं जो कहूंगा आप उसे मानेंगी और कोई प्रश्न नहीं करेंगी। आप बस इतना समझिए कि आपको अपने तप के फल का मूल्य चुकाना है। कही आदि प्रजापति, मुझे क्या करना है? मैं वचन देती हूँ कि मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछूंगी। वचन देने से पहले पुनः एक बार सोच लीजिए। जब श्री हरि को प्राप्त करना है तो सोचना कैसा? आप कही आदि प्रजापति, क्या करना है मुझे? तो सुनिए, मेरी इच्छा है कि आप असुरराज दंभ पुत्र शंखचूड़ से विवाह करें। ये आपने क्या कह दिया है आदि प्रजापति? मैं तो श्री नारायण को प्राप्त करना चाहती हूँ। देवी तुलसी, मैं ब्रह्मा आपको नारायण की प्राप्ति का ही मार्ग बता रहा हूँ। आपका भाग्य मैंने अपने हाथों से लिखा है, उसे मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं आपसे केवल इतना ही कहूंगा कि जब आपने वचन दिया है तो आप अपने वचन का पालन करें। मैं तो आपको यह भी नहीं बता सकता कि आप इससे पूर्व कौन थे, क्या थे। अब निर्णय मैंने कर लिया है। यदि श्री हरि को प्राप्त करने का यही मार्ग है, तो असुर राज दंभ के पुत्र राजकुमार शंखचूड़ मेरे पति होंगे। और जब मैं आपको ये वचन दे चुकी हूँ, तो आपसे सत्य कह रही हूँ। अब मेरे हृदय में किसी अन्य को पाने की कोई इच्छा नहीं। अब और कुछ हो भी नहीं सकता। आपको वर मिल चुका है और आपने भी अपने भावी पति का चुनाव कर लिया है। अब आपकी ओर से विवाह प्रस्ताव लेकर आपके पिताश्री महाराज धर्मध्वज के राज पुरोहित को जाना चाहिए। ऐसा ही होगा आदि प्रजापति, ऐसा ही होगा। आयुष्मती भाव। वैसे तो इस प्रकार मार्ग में किसी स्त्री से बात करना असभ्यता है, किंतु असुर हूं इसलिए असुर होने का लाभ उठा लेता हूं। चिंता न करें देवी, मैं वैसा असुर भी नहीं हूं कि किसी असभ्यता पर उतर आऊं। तो पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं और आपसे भी केवल आपका परिचय ही लूंगा। तो पहले अपना परिचय मैं आपको दे दूं। मैं धर्म नगरी के महाराज धर्मध्वज की पुत्री तुलसी हूं। बस इतना ही परिचय है मेरा।
और मेरा भी कुल इतना ही परिचय है कि मैं दानवराज दंभ का पुत्र शंखचूड़ हूं। सुनिए देवी, आश्चर्य है, अपनी पत्नी चुनने का अधिकार तो मैंने आदि प्रजापति ब्रह्मा को दे दिया है, किंतु मैं क्या करूं, मैंने तो अपनी पत्नी चुन भी ली। मेरे हृदय पर इस देवी तुलसी का अधिकार हो चुका है। अनुसार कक्ष को भली भांति सजा दिया गया है। वल्लरी, एक बार फिर से देख, कोई कमी ना रह जाए। क्या हुआ महाराज? महारानी, वल्लरी ने अपना कार्य कुशलता पूर्वक किया है। ये तो आपका पुत्री प्रेम है जो आपको भ्रम में डाल रहा है। क्यों ना हो महाराज, इतने दिनों पश्चात मेरी पुत्री अपना तप समाप्त करके घर लौट रही है। माते, लाडली पुत्री, पुत्री, माते, नताश्री, आयुष्मती बाव, पिताश्री, मेरी पुत्री, पिताश्री, अरे नहीं नहीं नहीं, आयुष्मती बाव, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ पिताश्री। पुत्री, तुमने कहलवा भेजा था कि हम तुम्हारा मुख्य द्वार पर स्वागत ना करें? हाँ पिताश्री, मैं तो तप करके लौटी हूँ। हाँ पुत्री, वो तो दिख रहा है, तब में से सोना कुंदन बन जाता है। दासियों, तुम लोग जाओ, मेरी पुत्री को विश्राम करने दो। हमारी पुत्री ने बड़ी कठिन तपस्या की है। हाँ पिताश्री, और मेरी तपस्या सफल भी हुई। पिताश्री, स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे दर्शन दिए। अरे ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, और मैं अपनी पुत्री की संकल्प शक्ति को जानता हूँ। किंतु पिताश्री, तपस्या के फल के लिए मैंने आदि प्रजापति ब्रह्मा जी को अपनी ओर से एक वचन दिया है। मैंने ब्रह्मा जी को यह आश्वासन भी दिया है कि मैं अपना वचन प्राण रहते अवश्य निभाऊंगी। पुत्री, वचन देने का यही अर्थ होता है। अच्छा ये बताओ, वचन पालन करने में मैं क्या सहयोग दे सकता हूँ? बस आप दोनों के ही सहयोग की आवश्यकता है। माताश्री, आदि प्रजापति ब्रह्मा जी ने मेरे भावी पति का चुनाव कर लिया है। क्या? ये तो बड़े हर्ष की बात है। जिसका चुनाव स्वयं ब्रह्मा जी ने किया हो वो तो श्रेष्ठ वर होगा। बताओ पुत्री, शीघ्र उसका नाम बताओ। हाँ हाँ पुत्री, हमें भी उसका नाम बताओ। बताओ पुत्री। पुत्री, हमसे कैसी लज्जा, हम ही तो तुम्हारा वागदान करें, और फिर तुम भी तो वचनबद्ध हो। पुत्री, हमें भी उस भाग्यशाली का नाम बताओ जिसका ध्यान करते ही हमारी सुशील कन्या की पलकें लज्जा से झुक गई। बताओ पुत्री, कौन है वो? असुर राज दंभ के पुत्र राजकुमार शंखचूड़। हाँ पिताश्री, Thank you.
पिताश्री। माताश्री, मैं जानती थी इसी की आशंका थी, किंतु राजकुमार शंखचूर, मैंने तो पति रूप में आपका वरण कर लिया है। राजकुमार शंखचूर की, राजकुमार शंखचूर की, राजकुमार शंखचूर की, राजकुमार शंखचूर की, राजकुमार शंखचूर की। कीर्तिमान भाव पुत्र, प्रणाम कुलगुरु, यशस्वी भाव। आयुष्मान भव। दानव लोक के सभासदों, कुलगुरु श्री शुक्राचार्य की अनुमति से आज मैं आप लोगों के सामने एक घोषणा करना चाहता हूं। आज संपूर्ण दानव लोक के लिए बड़े ही हर्ष का दिन है। आज राजकुमार शंखचूर अपनी तपस्या द्वारा असीमित शक्तियां प्राप्त करके लौटे हैं। तपस्या पर जाने से पूर्व मैं राजकुमार शंखचूर को युवराज घोषित करना चाहता था, किंतु यह हमारी भूल थी। हां पुत्र, यह मेरी भूल थी कि मैं तुम्हें युवराज बनाना चाहता था, किंतु तुम तो मेरे सिंहासन पर बैठने के योग्य हो चुके हो, और आज मैं तुम्हें अपने स्थान पर इस सिंहासन पर बिठाना चाहता हूं। पिताश्री। नहीं पुत्र, मैं निर्णय ले चुका हूं। इस सिंहासन को छूकर अब तुम वो प्रतिज्ञा करो जो प्रतिज्ञा इस सिंहासन पर बैठने से पहले मैंने की थी और जिसे आज तक मैं पूर्ण नहीं कर सका। पिताश्री, एक पुत्र के लिए सबसे बड़े सौभाग्य का दिन वो होता है जब वो अपने वचन के साथ साथ अपने पिता द्वारा दिए गए वचन की पूर्ति का सौभाग्य प्राप्त करे। मैं नहीं जानता कि आपने सिंहासन को छूकर क्या प्रतिज्ञा की थी, किंतु मैं आपका पुत्र शंखचूर इस सिंहासन को छूकर आपको यह वचन देता हूं कि आपके द्वारा दिए गए आदेश का पालन करूंगा। आदेश दीजिए पिताश्री। तो सुनो पुत्र, मैंने इस सिंहासन को छूकर तुम्हारे पितामह अर्थात अपने पिताश्री को वचन दिया था कि मैं दानव लोक की सीमाओं की वृद्धि करूंगा। मैं समस्त मानव लोक और देव लोक पर अपना अधिकार स्थापित करूंगा। ये कैसी प्रतिज्ञा है पिताश्री? ये कैसा वचन है? क्या सिंहासन प्राप्ति का अर्थ केवल सीमाओं का विस्तार है? क्या सिंहासन प्राप्ति का अर्थ केवल दास प्रथा की वृद्धि करना ही है? नहीं पिताश्री, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकूंगा। जानता हूं कि मैं वचनबद्ध हूं, किंतु वचन देने के बाद उसका पालन न करने का जो दंड होता है वो मैं स्वयं को दूंगा, अवश्य दूंगा। Thank you.
हे नर्मदे, मैं वचनबद्ध हूँ, किंतु मेरे पिताश्री अपनी इच्छा से मेरा विवाह राजकुमार शंखचूड़ से नहीं करेंगे। उधर शंखचूड़ भी इतने स्वाभिमानी हैं कि मेरे पिताश्री की ओर से विवाह का प्रस्ताव गए बिना वो मुझसे विवाह नहीं करेंगे। और इस प्रकार ब्रह्मा जी को दिया गया मेरा वचन व्यर्थ जाएगा, इसलिए मैं ये निर्णय लेके आई हूँ कि मैं जल समाधि ले लूं। मेरे पास इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। एक मार्ग। प्रणाम है आदि प्रजापति। सौभाग्यवती भवा। हे आदि प्रजापति, आप सत्य जानते हैं इसीलिए मेरा उपहास कर रहे हैं। नहीं, मैं सत्य जानता हूँ इसीलिए आशीष दे रहा हूँ। तुलसी, तुम्हें जीवित रहना है और शंखचूड़ की पत्नी बनना है। किंतु हे आदि प्रजापति। तुलसी, ये तो मैं तुम्हारे भाग्य में लिख चुका हूँ। इस समय यदि तुम नर्मदा में कूद भी पड़ोगी तो भी नर्मदा तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। हे आदि प्रजापति, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं। तुलसी, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर थोड़ी दूर जाओ। इसी नदी के तट पर एक और युवक खड़ा है जो वचन की उलझन में पड़ा हुआ है, और इसीलिए वो वहाँ जल समाधि लेने आया है। जाकर उसे रोको। यदि उसे रोक लोगी तो तुम्हारा वचन पूर्ण होगा, और उस युवक से कहना कि वचन देने के पश्चात सोचना महापाप है। तुलसी, जाओ और जाकर शंखचूड़ को इस पाप से बचा लो। तो क्या राजकुमार शंखचूड़? हाँ, वे भी धर्म संकट में पड़े हैं। तुलसी, गंधर्व विवाह की परंपरा ऐसी समस्या के निदान स्वरूप बनाई गई है। जाओ तुलसी, शुभ से शीघ्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रणाम है आदि प्रजापति। आयुष्मती भव। हे नर्मदा, माते आप भली भांति जानती हैं कि मैं विचारों की दो राह पर खड़ा हूं। मैं जानता हूं मैं असुर हूं, किंतु न जाने क्यों मैं अन्य असुरों की भांति उद्दंड नहीं बनना चाहता। परंतु इसी काल में मेरे हृदय में एक दूसरी भावना भी जन्म लेती है कि असुर होने के नाते मुझे असुर नीतियों का ही पालन करना चाहिए। पिता को वचन देकर मैं भाग आया। संसार में उससे बड़ा पापी और कोई नहीं होता जो वचन देने के पश्चात अपने वचन का पालन न करे। इसलिए हे माते नर्मदा, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए, क्योंकि वचन भंग का प्रायश्चित जल समाधि के अतिरिक्त तब और कुछ हो ही नहीं सकता। ठहरिए। नहीं राजकुमार, नहीं राजकुमार, रुक जाइए। नहीं राजकुमारी तुलसी, आप लौट जाइए, अब बहुत विलंब हो चुका है। नहीं राजकुमार शंखचूड़, कुछ भी विलंब नहीं हुआ, मैं समय पर पहुंच गई। कदाचित आप नहीं जानते, मैं आपको मन, वचन और कर्म से अपना पति मान चुकी हूँ। हमारा विवाह नहीं हुआ तो क्या हुआ? जो संकल्प आपने किया मुझे भी उसमें अपना सहभागी बना लीजिए, मैं भी आ रही हूँ। ठहरिए राजकुमारी, ये आप क्या कर रही हैं? अपने धर्म का पालन कर रही हूँ। नहीं राजकुमारी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। तो फिर इसका एक दूसरा मार्ग भी है। कौन सा मार्ग? देखिए, मैंने ब्रह्मा जी के समक्ष आपको हृदय से अपना पति मान लिया है,
किंतु मैंने जो वचन उन्हें दिया उसमें मेरे पिता बाधा बनकर मेरे सामने खड़े हो गए। मैं अपने पिता से स्नेह करती हूँ, इसलिए मेरे अपने धर्म संकट और मेरे पिता के धर्म संकट का एक ही उपाय है कि आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। राजकुमारी तुलसी। राजकुमार शंखचूड़, कदाचित असुर प्रवृत्ति का होना इतना बुरा नहीं है जितना किसी को दिए हुए वचन का पालन न करना है। आप मुझसे गंधर्व विवाह कीजिए और मुझे लेकर अपने महल चलिए, जहां बुझे हुए दीपों के साथ आपके माता पिता उदास बैठे हैं। गुरुदेव, शंखचूड़ पुत्र। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव पुत्र। इनके चरण छूकर आशीर्वाद लीजिए, ये हमारे कुलगुरु शुक्राचार्य हैं। प्रणाम है गुरुदेव। आयुष्मती भव पुत्री। आप मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। मैं समझा नहीं, अपना परिचय दो पुत्री। मैं महाराज धर्मध्वज की कन्या तुलसी हूँ। क्या महाराज धर्मध्वज? वे तो विष्णु भक्त हैं, वे हमारे विरोधी हैं। किंतु हे गुरुदेव, इसके उपरांत भी राजकुमारी तुलसी ने मुझसे विवाह करने का निर्णय किया है। ये अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध स्वयं यहां मेरे साथ आई है। हाँ गुरुदेव, ये सत्य कह रहे हैं। यदि दानव कुल ने भी मुझे स्वीकार नहीं किया तो मेरे समक्ष आत्महत्या के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं बचेगा। और इनसे विवाह करने के लिए स्वयं आदि प्रजापति ब्रह्मा जी ने मुझसे वचन लिया है। बस पुत्री, इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं सुनना है। यदि आदि प्रजापति ब्रह्मा जी की यह इच्छा है तो मैं उनकी इच्छा में बाधा नहीं बनना चाहता। राजकुमार शंखचूड़, चलिए, दानव लोक की परंपरा के अनुसार आपका विवाह होगा। गुरुदेव, विवाह से पहले मैं सिंहासन के सामने वो प्रतिज्ञा करना चाहता हूं जिसे करने से पहले मैं दानव सभा छोड़कर चला गया था, और इसकी प्रेरणा भी मुझे स्वयं राजकुमारी तुलसी ने दी है। इसलिए सर्वप्रथम मैं वो अधूरी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। चलो पुत्र, आज तो महाराज दंभ के लिए बहुत प्रसन्नता का दिन है। आज उन्हें दानवों का राजा प्राप्त हो रहा है, आज उन्हें दानव कुल वधु प्राप्त हो रही है। आज का दिन बड़ा शुभ है, आओ पुत्र। आइए देवी। पुत्र, पुत्र शंखचूड़, तुम आ गए पुत्र। नहीं पुत्र, मेरे गले लग जाओ, मेरे गले लग जाओ पुत्र।
किंतु मैं अकेला नहीं पिताश्री, राजमहल में मेरे साथ राजकुमारी तुलसी भी आई है। राजकुमारी तुलसी? जी पिताश्री, महाराज धर्मध्वज की पुत्री राजकुमारी तुलसी। हम दोनों ने गंधर्व विवाह करने का निर्णय कर लिया है। क्या? हाँ पिताश्री, और इसके लिए मैंने कुलगुरु शुक्राचार्य से अनुमति ले ली है और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया है। आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। आयुष्मान भव पुत्र, कीर्तिमान भव पुत्र। किंतु इससे पहले मैं अपना वो वचन पूरा करूंगा, वो प्रतिज्ञा पूरी करूंगा जिसे छोड़कर मैं चला गया था। पुत्र, तुम्हारे भीतर यह परिवर्तन देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। पुत्र, तुम तो देवताओं जैसी नैतिकता की बातें करते थे। हे पुत्र शंखचूड़, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे स्वभाव में यह परिवर्तन आया कैसे। पिताश्री, होगा तो वही जो विधाता ने मेरे भाग्य में लिख दिया है। मैं विधाता के लेख को तो नहीं बदल सकता। असुर समुदाय में जन्म लेकर मैं अपनी संस्कृति से कैसे दूर रह सकता हूं। कदाचित ब्रह्मा जी ने जो मुझे वरदान दिया है उसी में असुरों का हित हो। यशस्वी भव पुत्र, यशस्वी भव। आदरणीय गुरुदेव, पिताश्री एवं समस्त सभासदों, मैं शंखचूर आप सबके समक्ष ये प्रतिज्ञा करता हूं कि पूरी सृष्टि पर दानव राज की स्थापना करूंगा। मानव लोक, यक्ष लोक, गंधर्व लोक, देवलोक और ऐसा कोई भी लोक जो इस सृष्टि में है उस पर दानव लोक की सत्ता स्थापित करूंगा। राजकुमार शंखचूड़ की नहीं, सभासदों नहीं, आप सब हमारे साथ बोलिए, दानव राज शंखचूड़ की, दानव राज शंखचूड़ की। आज से शंखचूड़ इस सिंहासन के उत्तराधिकारी होंगे। गुरुदेव, अवश्य। पुत्र, दानव राज शंखचूड़ की, दानव राज शंखचूड़ की। यशस्वी भव पुत्र, कीर्तिमान भव पुत्र, विजयी भव पुत्र। अब आप विधिवत दानव लोक के महाराज हो गए, किंतु एक आवश्यक विधि और पूरी करनी है, और वो विधि है दानवराज शंखचूड़ तथा शतपुत्रवती भव। महारानी तुलसी, आप दानव कुल की पुत्र वधू हो गई हैं, अब तो आप प्रसन्न हैं? हाँ स्वामी, मेरा आंचल प्रसन्नता से भर गया है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अपने माता पिता का आशीर्वाद कभी प्राप्त नहीं कर पाऊंगी।
महाराज, हमने राजकुमारी को बहुत ढूंढा, परंतु राजकुमारी का कुछ पता नहीं चला। तुम लोग जाओ। जो आज्ञा महाराज। क्या हुआ महाराज? महारानी, अब तो पुत्री तुलसी को सेना भी ढूंढ ढूंढ के हार चुकी है। यदि हमने उस दिन पुत्र तुलसी को आशीर्वाद दे दिया होता तो ये दिन न देखना पड़ता। महाराज, मेरा भी मन घबरा रहा है। ऐसा लगता है जैसे हमारी पुत्री तुलसी ने निराश होकर कोई अनर्थकारी पग उठा लिया है। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। महारानी, आपका विचार युक्त संगत नहीं है। देवर्षि, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ महाराज, आपकी पुत्री इस समय महाराज दंभ की पुत्र वधु और दानव लोक की महारानी बन चुकी है। नारायण नारायण। प्रणाम हे देवर्षि, मैं धन्य हो गई कि आप जैसे व्यक्ति मुझे बधाई देने आए हैं। माते, मेरा और आपका संबंध ही ऐसा है। देवर्षि, मेरे पिता भी मुझे ऐसे ही संबोधित करते हैं, किंतु इसका अर्थ कभी समझ नहीं पाई। देवी, उचित समय आने पर आप इसका अर्थ समझ जाएंगी। सर्वप्रथम तो आप ये भेंट स्वीकार करें जो मैं आपकी माताश्री की ओर से लेकर आया हूं। यह भेंट माताश्री ने भेजी है? इसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें मेरे विवाह की सूचना मिल गई? हाँ देवी, मैंने ही उन्हें यह सूचना दी है। देवी, मेरे पास समय कम है, इससे पूर्व के दानवराज शंखचूड़ यहां पधारे मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आज्ञा दीजिए देवर्षि। देवी, कदाचित आप नहीं जानती कि आज से आने वाले 6 मास आपके पति के लिए अत्यंत कष्टदायक हैं। इन आने वाले 6 मास में आपके पति की मृत्यु की भूमिका लिखी जाएगी। नहीं नहीं देवर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो ऐसे शुभ अवसर पर आप ऐसे अशुभ बात कर रहे हैं? देवी, ये शुभ अवसर अशुभ न हो जाए इसीलिए तो मैं यहां आया हूं। आज से आने वाले 6 मास तक आपको अपने पति के कल्याण के लिए व्रत करना होगा। 6 मास पश्चात शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन आपको ये व्रत समाप्त करना है। उसके पश्चात आपके पति दानवराज शंखचूड़ सदा के लिए अमर हो जाएंगे। कहिए देवी, आप करेंगी ये व्रत? करूंगी, अवश्य करूंगी। ध्यान रहे देवी, आप इस समय दानव लोक में हैं और ये व्रत भगवान श्री विष्णु का है। आपको पूरे 6 मास तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप करना होगा। मैं करूंगी देवाशी। देवी, यह भी ध्यान रहे, यदि दानव लोक वासियों को इसका पता चल गया तो वे आपको ये व्रत नहीं करने देंगे। नहीं नहीं देवाशी, अपने सुहाग की रक्षा के लिए मैं किसी को भी इस विषय में जानने नहीं दूंगी। तो फिर मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम देवर्षि।
प्रिय तुलसी। शत शत चंद्रमाओं से अधिक धवल, अधिक शीतल, हे मनमोहिनी, आपको प्रकृति रूपी कवि की सुंदर रचना कहूं या देवताओं के वेद की कोई ऋचा? बस बस, इच्छा हो रही है कि इस रात्रि में आपके साथ रथ पर कहीं दूर निकल जाऊं, जहां वन हो, कोई झरना हो, दुग्ध शीतल चांदनी हो, हम हो और एकांत हो। मैं चलूंगी स्वामी, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर अवश्य चलूंगी, किंतु आपसे एक विनती है। कैसी विनती? मैं दानव लोक का महाराज हूं और आप दानव लोक के महाराज की हृदयेश्वरी हैं। विनती नहीं, आदेश दीजिए। स्वामी, मैंने आपको अमर करने के लिए एक व्रत करने का निर्णय लिया है। यदि 6 मास तक हम पति पत्नी नहीं, एक आदर्श प्रेमी प्रेमिका की भांति रहें, एक निकटतम मित्र की भांति रहें, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? प्रिय, पहली बार मांगा भी तो क्या मांगा? आपके स्नेह पाश में मैं इस भांति जकड़ा हुआ हूं कि 6 मास तो क्या 6 युग तक आपकी प्रतीक्षा कर सकता हूं। स्वामी, मैंने जो मांगा आपने मुझे दे दिया, और प्रश्न तक नहीं किया कि मैंने क्या मांगा। इसकी आवश्यकता भी नहीं, जो मेरी प्राणेश्वरी है, हृदयेश्वरी है, जो अपने माता पिता का त्याग करके मुझ अपरिचित के साथ सारे दानव अपरिचितों में आ गई, जिसने मुझसे विवाह करते समय मेरे जीवन से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न नहीं किया, उससे मैं कोई प्रश्न करूं? असंभव है। आपने जो मांगा मैंने दिया, और आपके इस मांगने के भी दानवों का कल्याण है। कल्याण? कैसा कल्याण? आप मुझे 6 मास के लिए अपने स्नेह पाश से मुक्त कर रहे हैं। अब मैं इन्हीं 6 मासों के भीतर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सारी सृष्टि पर दानव लोक की विजय पताका फहरा कर दिखा दूंगा। मंत्रों द्वारा निर्मित खड्ग मेरे पुत्र को देकर मुझे निश्चिंत कर दिया, फिर भी मैं पिता हूं, मेरे मन में महाराज दंभ। आप निश्चिंत रहिए, वत्स शंखचूर को वरदान है, जब तक उनकी पत्नी का सतीत्व भंग नहीं होता उसे कोई नहीं मार सकता, और संसार में कोई भी प्राणी, यक्ष, गंधर्व, दानव, देवता, कोई भी ऐसा नहीं है जो कुलवधू तुलसी के सतीत्व के तेज के आगे टिक सके।
हे स्वामी, मेरी कामना है कि आप विजयश्री प्राप्त करके लौटें। जब तक आप लौटेंगे नहीं, तब तक मैं अपने व्रत का पालन करती रहूंगी, आपके ध्यान में खोई रहूंगी। प्रिय, गुरुदेव का आदेश है कि आप इस खड्ग को स्पर्श करें। आपका स्पर्श इसमें विद्युत शक्ति भर देगा। जो आज्ञा स्वामी। स्वामी, पूरे 6 मास तक मेरी दृष्टि द्वार पर लगी रहेगी। यहाँ केवल तुलसी का शरीर रहेगा, उसका मन, उसकी आत्मा, उसके प्राण तो आपके साथ जाएंगे। प्रिय, मैं भी तुम्हारी छवि नेत्रों में बसाकर तुम्हारे इस पावन तेजस्वी मुखमंडल को अपने हृदय में अंकित किए जा रहा हूं। विदा दो प्रिय। स्वामी, मैं अपने नेत्र बंद कर लेती हूँ। आप कृपया अपने कर्तव्य पालन को जाइए। आपकी यही स्मृति मेरे नैनों में बंद रहेगी। स्वामी, आपके विरह में ये 6 मास न जाने कैसे कटेंगे, न जाने मुझ पर, मेरे मन पर क्या बीतेगी। शंखचूड़, कौन है आप देवी? मैं महाराज धर्मध्वज की पत्नी और तुलसी की मां हूं। आइए, स्वागत है आपका। मैं तुमसे एक निवेदन करने आई हूं। निवेदन नहीं, आदेश दीजिए। पुत्र, तुम अपने इस अभियान को रोक दो। आप क्या कह रही माताश्री? उस अभियान को रोक दूं जो मुझे त्रिलोक विजयी बनाएगा? उस अभियान को रोक दूं जिससे असुरों की विजय पताका 3 लोकों पर फहराएगी, जिससे देवलोक मेरे अधीन होगा? पुत्र, अभी तो तुम्हारा विवाह हुआ है, मेरी पुत्री के हाथों की मेहंदी भी अभी तक नहीं सूखी है। ऐसे समय पर तुम अपने जीवन को क्यों संकट में डाल रहे हो? आप कदाचित नहीं जानती कि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है कि मुझे कोई नहीं मार सकता। तब तो तुम्हें अपनी शक्ति का रचनात्मक उपयोग करना चाहिए, जन कल्याण के लिए करना चाहिए। आप जो कहती हैं वो मनुष्यों के सोचने की सीमा है। असुरों का मार्ग इससे आगे है, बहुत आगे है। पुत्र, जय 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 जय
छोड़ दो मुझे, शांत हो जाइए। सेनापति, कौन है ये स्त्रियां? असुर सम्राट, हम जब भी कहीं आक्रमण करते हैं, विजय के पश्चात उस नगर की सुंदर स्त्रियों को हम बंदी बना लेते हैं। यही असुर युद्ध की परंपरा है। सेनापति, ये कैसी परंपरा है? हमारा युद्ध स्त्रियों के विरुद्ध नहीं, राजाओं महाराजाओं यक्षों गंधर्वों और देवताओं की सेना के विरुद्ध है। मुक्त कर दीजिए इन्हें। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? इससे पहले तो यही स्त्रियां असुरों के मनोरंजन का साधन बनती रही हैं। यही तो वो कारण है जो देवताओं को श्रेष्ठ और हम असुरों को निकृष्ट बना देता है। आप स्त्री को मनोरंजन का साधन कहते हैं? लज्जा आनी चाहिए आपको। स्त्री जननी होती है, पत्नी होना स्त्री का एक आदर्श रूप है, और आप कहते हैं कि स्त्री मनोरंजन का साधन है। महाराज, आज तक तो यही होता रहा है, अब नहीं होगा। ये मेरा आदेश है, इन्हें जहां जहां से लाया गया है वहां वहां सम्मान पूर्वक पहुंचा दिया जाए, और आज के पश्चात यदि किसी ने ऐसा दुस्साहस किया तो उसे मैं स्वयं दंड दूंगा। यदि किसी ने इनकी ओर आंख उठाई तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी, किसी ने इनकी ओर हाथ बढ़ाए तो वे हाथ तोड़ दिए जाएंगे, किसी अधम ने इनकी ओर बढ़ने की धृष्टता की तो उसे पंग बना दिया जाएगा। देवियों, मैं आज तक स्त्रियों पर किए गए सभी अत्याचारों के लिए असुरों की ओर से आप सबसे क्षमा चाहता हूं। आप मुक्त हैं, जा सकते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सेनापति जी। महाराज, मैं आगे मिलने वाले शत्रुओं की टोह में जा रहा हूं, शीघ्र लौटूंगा। तब तक सैनिक शिविर की रक्षा आप सबके हाथों में है। जो आगे महाराज। हे वायुदेव, आपको इससे अच्छा अवसर भविष्य में कभी प्राप्त नहीं होगा। इस समय यह असुर शंखचूड अकेला ही आने वाले नगर तक जाएगा। आप अपने मेघ झंझावात की सहायता लीजिए। जो आज्ञा देवराज।
समय तो सारे सैनिक अपने शिविरों में लौट आते हैं। ऐसे समय में ये सारे के सारे अशुभ संकेत मुझे क्यों प्राप्त हो रहे हैं? कहीं मेरे स्वामी किसी संकट में तो नहीं? हे ईश्वर, हे नारायण, हे वासुदेव, मेरे सुहाग की रक्षा करना। अधिक प्रसन्न हूं। असुर शंखचूड अब जीवन पर्यंत उन पाषाण खंडों के नीचे दबा रहेगा। उसकी मुक्ति असंभव है, असंभव। हमने उसका विजय अभियान रोक दिया है। आज तो देवलोक में महोत्सव का आयोजन होना चाहिए। हे प्रभु, अब मुझे भी इसका विश्वास हो गया है कि मेरे स्वामी अवश्य किसी गहरे संकट में हैं। देवर्षि नारद ने जैसा मुझसे कहा, मैंने वैसा ही किया। मैं आपके द्वादश अक्षर मंत्र का जाप कर रही हूं। इस मंत्र ने जिस प्रकार पालक ध्रुव की रक्षा की, महान असुर भक्त प्रहलाद की रक्षा की, उसी प्रकार ये मंत्र मेरे पति की रक्षा करे। उन्हीं की रक्षा के लिए मैंने इस विरह को स्वीकार किया। उन्हें अपने शरीर को स्पर्श नहीं करने दिया जिसके वो स्वामी हैं। जब तक मुझे इसका संकेत नहीं देते कि मेरे पति सकुशल हैं, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण किए बिना यहीं बैठे रहूंगी। खंडों के नीचे दबे पड़े हैं। आप शीघ्र वहां जाएं
और उन पाषाणों को उनके शरीर से उठाकर दूर फेंक दे, उन्हें संकट से मुक्त करें। जैसी आज्ञा प्रभु। महाराज आप तो पूर्णतया घायल हैं। ये क्या हो गया आपको? तुरंत उपचार की व्यवस्था हो। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जो कुछ मेरे साथ घटा वो सब अचानक था, उसने मुझे कुछ सोचने का अवसर ही नहीं दिया। किंतु अब मेरी समझ में आ गया है कि इस घटना के पीछे किसका हाथ है। ये सारा का सारा बवंडर देवराज इंद्र का है। इससे पूर्व जो कार्य असुर किया करते थे, माया का प्रयोग, वो देवराज इंद्र ने मेरे साथ किया है। देवराज, सावधान, मैं आ रहा हूं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आपकी भांति में छल का प्रयोग नहीं करूंगा, आपके सामने में बल का प्रयोग करूंगा। सूर्य की प्रथम किरण के साथ मैं देवलोक पर आक्रमण करूंगा। Thank you.
देवी भुवनेश्वरी, देवताओं और असुरों में तो भीषण युद्ध हो रहा है। देख रही हैं विनाश लीला, देख रही हैं मृत्यु का खेल? हाँ देख रही हूँ, क्या होगा इसका परिणाम? महादेवी, परिणाम तो स्पष्ट है, जिसमें भगवान विष्णु का अंश है उसे संसार में कौन पराजित कर सकता है? हे वासुदेव, हे प्रभु, उनका ध्यान रखना, उन्हें संकटों से बचाना। भाग गए सबके सब कायर, भाग गए ये जानते हुए भी कि अमृतपान कर चुके हैं, मृत्यु से मुक्त है, फिर भी भाग गए। सेनापति, हम आज अति प्रसन्न हैं। महाराज की जय हो। पिताश्री तक सूचना भिजवाई जाए कि हमने प्रथम यक्ष लोक, गंधर्व लोक और अब देवलोक पर भी विजय प्राप्त। प्रणाम महारानी जी। आओ दूत, तुम ग्रीष्मकाल की मरुभूमि में शीतल मंद पवन के झोंके के समान आए हो। कहो दूत, मेरे प्राणेश्वर अर्थात तुम्हारे महाराज ने क्या संदेश दिया है? महारानी जी, उन्होंने पत्र भिजवाया है। प्राणेश्वरी, आते समय मैं तुम्हारी मनमोहक छवि अपने नेत्रों में और तुम्हारा ध्यान अपने मन में बसाए यहां आया था। जब शत्रु से भयानक युद्ध हो रहा होता है, मैं उस समय भी तुम्हारा चिंतन करने के लिए कुछ पल निकाल लेता हूं। सच पूछो प्रिये, तो तुम ही मेरी शक्ति हो। सारा दिन तो युद्ध में कट जाता है, किंतु विरह की रात काटे नहीं कटती, मन तुम में ही लगा रहता है। हे स्वामी, हे प्राणवल्लभ, तुलसी के जीवन के आधार, आपके बिना कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसे लौ के बिना दीपक की बाती, सुर के बिना वीणा के तार और बादल के बिना वर्षा ऋतु। भय लगता है कहीं विरह के अश्रु में स्वयं ही न डूब जाऊं। आपके पत्र ने तो मेरे हृदय की तपती मरुभूमि पर वर्षा की फुहार का काम किया है, शीतलता प्रदान की है। आपको बधाई देती हूं एक के पश्चात एक मिलने वाली विजय पर, आपकी सफलताओं पर। आपने भी 6 मास का व्रत लिया है और मैंने भी 6 मास का व्रत ले रखा है। व्रत पूरा होते ही चले आइएगा,
मैं तन से यहाँ हूँ, किंतु मेरा मन आपके साथ चला गया है। मेरी आंखें आपके सकुशल लौटने की प्रतीक्षा कर रही हैं। आपके दर्शनों की प्यासी, आपके चरणों की दासी तुलसी। प्रिये, अब तुम्हारे और हमारे मिलन के बीच की सभी दूरियां समाप्त हो चली हैं। केवल एक देव बचे हैं, उन पर विजय प्राप्त करते ही मैं लौट आऊंगा। वैसे जिन्हें युद्ध के लिए मैं चुनौती देने जा रहा हूं, उन्हें आज तक किसी ने चुनौती नहीं दी, किंतु मैं तो शंखचूर हूं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। वैसे उस देव की भी बड़ी पूजा होती है और लोग उन्हें महादेव कहते हैं। मैं उनसे उनका कैलाश मांगने जा रहा हूं और उनसे युद्ध करके उनका कैलाश छीन कर ही रहूंगा। तुम्हारा शंखचूर। माताश्री, माताश्री, क्या बात है पुत्री, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? उन्हें ऐसा करने से रोकिए माताश्री। पुत्री, किसकी बात कर रही हो? किसे रोकना है और क्या करने से रोकना है? अपने पुत्र को रोकिए पिताश्री। वे देवाधिदेव महादेव को युद्ध की चुनौती देने जा रहे हैं, वे कैलाश पर अधिकार करना चाहते हैं। ये तो बड़े गौरव की बात है पुत्री, कि मेरा पुत्र शंखचूर असुरों में प्रथम ऐसा शूरवीर है जिसने कैलाश पर अधिकार करने की बात सोची। एक पिता के लिए से अधिक गौरवशाली बात और क्या हो सकती है? नहीं नहीं पिताश्री, ऐसा ना कहिए। शिव भगवान हैं, देवाधिदेव हैं, महादेव हैं, वे तो हम असुरों के भी पूज्य हैं। इससे क्या अंतर पड़ता है? पुत्र शंखचूर त्रिलोक विजय के लिए निकला है, यक्षलोक, गंधर्वलोक और देवलोक को पराजित करता हुआ अब उसका अगला आक्रमण अपने ही वरदान दाता ब्रह्मा पर होगा और उसके पश्चात देवताओं के पक्षपाती विष्णु पर। पुत्री, तू तनिक भी चिंता ना कर, अब पुत्र शंखचूर अपार शक्तियों का स्वामी है। संसार की कोई भी शक्ति मेरे पुत्र का वध नहीं कर सकती। और तू भी तो उसकी रक्षा के लिए व्रत कर रही है। तेरे जैसी पतिव्रता नारी का सुहाग छीनने की शक्ति संसार में किसी में नहीं है। पुत्री, मैं तो इस महान कार्य के लिए अपने महावीर पुत्र को बधाई का संदेश भेजूंगा। ठहरो। कौन हो तुम? मैं तीनों लोकों का स्वामी असुर राज दंभ का पुत्र शंखचूर हूं। तुम कौन हो? मैं वीरभद्र हूं, शिव का गाना और वीरता का साकार रूप। तुम बताओ क्या कार्य है? अपने स्वामी से जाकर कहो कि यहां से भागकर कहीं और शरण ले ले, अब कैलाश पर मेरा अधिकार होगा। मेरे स्वामी का आदेश है कि कैलाश पर हिंसा ना हो, मुझे उनकी अनुमति नहीं है, अन्यथा तुम्हारे इस दुसाहस के उत्तर में तुम्हारे सिर पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं रहता, वो अभी और इसी समय धूल चाट रहा होता। चला जा यहां से, तू वीरभद्र के क्रोध के सामने टिक नहीं पाएगा। तू मेरी शक्ति से परिचित नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। जा रहा हूं, किंतु ध्यान रहे, आज तक मैंने जहां जहां भी आक्रमण किया है उससे पहले उसकी चेतावनी भी दे दी है। तुझे भी चेतावनी दे रहा हूं, आज अकेला आया हूं, कल अपनी सेना के साथ आऊंगा। यदि कल तक तुम्हारे कैलाशपति कैलाश छोड़कर नहीं चले गए तो उन्हें शंखचूर के आक्रमण का उत्तर देना होगा और परिणाम का भी उत्तर पाना होगा। बस
कल कैलाश की भूमि तेरी समाधि बनेगी। किसमें कितनी शक्ति है इसकी परीक्षा कल हो जाएगी। कौन था पुत्र? प्रणाम प्रभु। तुम किसे वार्तालाप कर रहे थे? प्रभु अभी अभी शंखचूड आया था, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उसकी। कहता था अपने स्वामी से कहो वो कैलाश छोड़कर भाग जाए। प्रभु ऐसे कार्यों के लिए तो आप मुझे अनुमति दे रखिए, मैं उसका वध कर ही देता, किंतु विवश था। वो धमकी देकर गया है, कहता है कि कल फिर आऊंगा और सेना के साथ आएगा। अच्छा, तो कल शंखचूड़ अपनी सेना के साथ आएगा? हाँ प्रभु, और उसका दुसाहस देखिए, कहता था कि अपने स्वामी से कहो वो कैलाश छोड़कर भाग जाए। मानव लोक, यक्ष लोक, गंधर्व लोक तथा देवलोक पर विजय प्राप्त करने के पश्चात शंखचूड़ को अपनी शक्ति पर अभिमान हो गया है। वीरभद्र जी प्रभु, हमें शंखचूड़ के इस दुस्साहस का उत्तर देना ही होगा। मैं कैलाश की शांति कदापि भंग नहीं होने दूंगा। ये क्षेत्र ऋषि मुनियों, साधकों और आचार्यों की साधना भूमि है। प्रभु ये कार्य आप मुझे अकेले ही करने दीजिए, मैं शंखचूड़ और उसकी सेना को अकेले ही देखूंगा। नहीं पुत्र, तुम शंखचूड़ के विषय में कुछ भी नहीं जानते। मैं उसके अभिमान के कारण से भली भांति परिचित हूं। वो धनुष से निकले उस बाण के समान है जो पुनः अपने स्थान पर लौट कर आ नहीं सकता। उसे इस बात का झूठा विश्वास है कि उसकी मृत्यु किसी के हाथों हो नहीं सकती, और यही कारण है कि आज उसने स्वयं महाकाल को चुनौती दी है। अब देखना यह है कि इसमें कौन कौन से नियम टूटते हैं, कौन कौन सी आस्थाएं बनती हैं और कौन कौन सी आस्थाएं बिगड़ती हैं। महाराज की जय हो। सेनापति, कल प्रातः सूर्य के प्रथम किरण के साथ हम कैलाश की ओर प्रस्थान करेंगे। उधर सूर्य का रथ पूरब दिशा से निकलेगा और इधर कैलाश पर हमारा आक्रमण देवताओं की सत्ता के सूर्य को अस्त कर देगा। किंतु ध्यान रहे, हमारे पिछले शत्रुओं की तुलना में यह शत्रु बहुत अधिक शक्तिशाली है। हम शंखचूड़ के आक्रमण का उत्तर अवश्य देंगे। हर हर महादेव। 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 तुलसी, तुलसी आप यहां? हाँ महाराज, मुझे विवश होकर यहाँ आना पड़ा। सेना को कैलाश की ओर जाने से रोक दीजिए महाराज। सेनापति, सेना नहीं रुकेगी। मैं महारानी तुलसी से वार्तालाप करके अभी आता हूं। जो आज्ञा सुरराज। आइए महारानी तुलसी, हमारे साथ चलिए। चलो सैनिकों। महारानी तुलसी, आपके यहां अनायास आने और सेना को कैलाश की ओर जाने से रोकने का कारण है? कारण है स्वामी, मेरे सुहाग की रक्षा। अर्थात?
स्वामी, आप भगवान शिव से युद्ध करने का विचार छोड़ दीजिए स्वामी। महारानी तुलसी, हमने विचारों की सीमा से आगे बढ़कर युद्ध का निर्णय भी ले लिया है और उसकी घोषणा भी कर दी है। नहीं स्वामी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। वे भगवान हैं, सृष्टि के संहार करता है, वे ब्रह्म हैं, और ब्रह्म तो सृष्टि के नियम भी बदल सकते हैं। उनका क्रोध बड़ा विनाशकारी है, उनसे युद्ध का परिणाम केवल विनाश ही होगा। बड़े आश्चर्य की बात है महारानी तुलसी, वो आप थीं जिन्होंने मुझे मेरे पिताश्री की आज्ञा तथा वचन का पालन करने की प्रेरणा दी थी। स्वामी, वो वचन तो आपने देवलोक पर विजय प्राप्त करके पूरा कर दिया। नहीं महारानी, नहीं, ये विजय अधूरी है। अभी मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया, क्योंकि इस बार मेरे पिताश्री त्रिलोक पर असुरों का आधिपत्य देखना चाहते हैं। जैसा कि आप भी जानती हैं कि असुर और देवता एक ही पिता कश्यप की संतान है। आज तक केवल देवताओं ने ही त्रिलोक पर राज किया है, अब हमारी बारी है। ये असुरों का अधिकार है, उन्हें भी अवसर मिलना चाहिए, और मैं वही करने जा रहा हूं। किंतु है स्वामी। महारानी तुलसी, मैं जानता हूं कि आपके मन में क्या है, एक भय एक चिंता, किंतु आज आपका प्रेम भी मुझे मेरे वचन से टिका नहीं सकता। अब मेरे बढ़ते हुए पग नहीं रुक सकते, मेरी वीरता पर भरोसा रखिए। आप मेरी यही प्रतीक्षा कीजिए महारानी, विदा। महारानी, आपके देवाधिदेव महादेव ने युद्ध टालने के लिए सूर्योदय ही रोक दिया था। नहीं स्वामी, यह आपका भ्रम है। सूर्योदय मैंने रुकवाया था। आपने? हाँ स्वामी, इस युद्ध का परिणाम मैं जानती हूँ स्वामी, और मैं ये भी जानती हूँ कि शिव क्या है और उनकी शक्ति क्या है। वे प्रलयकर महेश्वर हैं, उनका त्रिशूल अजय है, उनका तीसरा नेत्र जब खुलता है तो विनाश छा जाता है। मैं नहीं चाहती कि आप ये भयंकर खेल खेलें। मैंने अपने सुहाग की रक्षा के लिए सूर्यदेव से प्रार्थना की थी कि जब तक मैं आपके पास पहुंच ना जाऊं, सूर्योदय ना हो। स्वामी, स्वामी, मैं इस युद्ध को रोकना चाहती हूँ, आपकी रक्षा के लिए, अपने सुहाग की रक्षा के लिए। आप मेरी रक्षा की चिंता न करें महारानी तुलसी, आप मेरी विजय की कामना करें कि त्रिलोक पर विजय प्राप्त करके मैं शीघ्र लौटूं। हे नारायण, हे वासुदेव, अब इनकी रक्षा मैं कैसे करूं? इस समस्या का समाधान कैसे होगा प्रभु, कैसे होगा? इससे पूर्व मैंने कैलाशपति को कैलाश छोड़ देने की चेतावनी दी थी, ये उनके लिए सुनहरा अवसर था, उन्हें भाग जाना चाहिए था। उन्होंने अपने प्राण बचाने का अवसर खो दिया है,
उनके कैलाश न छोड़ने के फलस्वरूप अब युद्ध अनिवार्य हो गया है और इसका उत्तरदायित्व केवल कैलाश पति पर है। चंगचूर, युद्ध करने के लिए तुम आए, कैलाश की शांति भंग करने का निर्णय तुमने लिया, हिंसा का मार्ग तुमने अपनाया, पहल तुमने की और उत्तरदायित्व मुझ पर, और ये सब केवल तुम इसलिए कर रहे हो कि इस युद्ध को जीतने के पश्चात तुम्हारे और तुम्हारे असुरों की देवताओं के समान पूजा होगी। ये मत भूलो शंखचूर, युद्ध जीतने से किसी की पूजा नहीं होती, केवल मन जीतने से पूजा होती है। विजय वो है जो आत्म विजयी है। तुम अपनी प्रवृत्ति के कारण, अपने स्वभाव के कारण असुर हो, तुम्हारा आचरण असुरी है। ये देवताओं का विचार है, उन्हीं का फैलाया हुआ भ्रम है। ब्रह्मा के वरदान ने मुझे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि मानव लोक, यक्ष लोक, गंधर्व लोक और देव लोक के उपरांत अब कैलाश पर विजय प्राप्त, इसके पश्चात ब्रह्म लोक और अंत में विश्व लोक पर अपनी सत्ता स्थापित करना। देवताओं का राज समाप्त करके असुर राज की स्थापना करना, ब्रह्मा से मिले वरदान का यही उपयोग है। ब्रह्मा ने तुम्हें वरदान अवश्य दिया है शंखचूर, परंतु तुम्हारे स्वभाव के कारण यह वरदान तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। तुम्हें ज्ञात नहीं है शंखचूर, ब्रह्मा ने तुम्हारे भाग्य में तुम्हारी मृत्यु भी लिखी है और ये मृत्यु शिव के हाथों लिखी है। जान लो शंखचूर, ब्रह्मा का लेख अटल है। किसकी मृत्यु किसके हाथों लिखी है इसका निर्णय तो आप युद्ध करेगा। मैंने तुम्हें जो समय दिया था वो आप पूरा हो चुका है। अब केवल युद्ध होगा, युद्ध। हाँ होगा, अवश्य होगा, किंतु ये युद्ध केवल वरदान और शक्ति के बीच होगा। इसमें दोनों ओर की सेनाएं भाग नहीं लेंगी। मैं नहीं चाहता कि कैलाश की पवित्र भूमि पर व्यर्थ का रक्तपात हो। कहो शंखचूर, स्वीकार है तुम्हें? मुझे स्वीकार है। आपने क्या किया? आपने उसकी छाती क्यों नहीं छेद डाली? वीरभद्र, शंखचूर की छाती और मेरे बाण के बीच एक सती की छाया है, पतिव्रता का बल है। मुझे शंखचूर की छाती को भेदने से पहले उस सती का वध करना होगा और मैं एक सती का
पतिव्रता का वध नहीं कर सकता। प्रभु, तब तो इस युद्ध का परिणाम प्रलय ही होगा। युद्ध से मेरा ध्यान भंग करने के लिए वातावरण बदलने की आवश्यकता पड़ गई। नहीं शंकु, नहीं, तेरे सर पर काल मन रहा है। तुझ में जो अहंकार है, जो अभिमान है, वो तुझे अपने भीतर झांकने नहीं देता। अन्यथा तुझे ज्ञात हो जाता कि तुझ में जो शक्ति है वो तेरी नहीं। मेरी शक्ति मेरी नहीं जिसे प्रलयंकर शिव न मार सके उससे अधिक शक्तिशाली और कौन होगा। कैलाशपति, आप व्यर्थ की बातें छोड़िए, समझ लीजिए कि कैलाश मेरा हो चुका। आपकी प्रभुता के दिन गए। पहले प्रभु और विष्णु, सारी सृष्टि हम असुरों की होगी। अब हम ईश्वर होंगे और हम ही पुजारी। सारे मंदिरों में हम होंगे, हम हर मंदिर में हमारा अंगार होगा, हमारी पूजा होगी। अरे अभिमानी, समझता क्यों नहीं तू और तेरी सारी शक्तियां एक शाप का परिणाम है। तू स्वयं एक शाप की देन है। तुम्हारा विवाह है तुम्हारे संहार का प्रारंभ था। जिस अग्नि के साथ घेरे लेकर तुमने विवाह किया था वो तुम्हारी चिता की आग थी जो सुलग रही थी और अब लपटों में बदलने वाली है। ये अभिमान भरे शब्द तेरे अंतिम शब्द थे। ये युद्ध तेरा अंतिम युद्ध है। तेरे जैसे सहस्त्र शंखचूर भी भगवान शिव के चरणों की धूल के बराबर नहीं। शक्ति मुझे शिव पर विजय प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। अरे मूर्ख, तू जब तक जीवित है वो तेरी पत्नी के पातिव्र धर्म के कारण है। तूने तो अपने अभिमान के कारण अपनी पत्नी के व्रत को भी निष्फल कर दिया। अब तेरे पाप का प्रायश्चित तुलसी के कारण किसी और को करना पड़ेगा। Thank you.
बंधन से मुक्त करने के लिए मुझे यह रूप धारण करके यहां आना पड़ा। आप ही के कारण शंखचूर के जन्म के समय मैंने उसमें अपना अंश डाल दिया था, किंतु वो अंश भी असुर को अभिमानी होने से नहीं रोक पाया। वो अपने विनाश की ओर बढ़ता गया। देवी, आप जिसकी रक्षा कर रही हैं वो सारी सृष्टि में असुर राज की स्थापना करना चाहता है, परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। संसार असुरों के उत्पात से ऊब चुका है। शंखचूर का इतना दुस्साहस कि वो महादेव का अपमान करने पर तुला हुआ है, मैं ये भी नहीं होने दूंगा। यदि मैं चाहूं तो शक्ति की कृपा से स्वयं उसका वध कर सकता हूं, किंतु इससे विधाता का लेख बदल जाएगा और मैं स्वयं अपनी दृष्टि में छोटा हो जाऊंगा। आपके पृथ्वी पर आने से शाप की समाप्ति हो चुकी है। मैं जो करने जा रहा हूं वो अनुचित है, किंतु इस परिस्थिति में इससे अधिक उचित और कुछ नहीं हो सकता। मेरी लीला के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। विजय महारानी तुलसी, विजय प्राप्त हुई है आपके स्वामी को। कैलाश के मार्ग से शिव की सेनाएं पीछे हटने लगी हैं। अपनी पराजय को देखते हुए स्वयं शिव कहीं समाधि में लीन हो गए हैं। सच स्वामी? हाँ महारानी, हाँ। अब आप अपना व्रत समाप्त कीजिए। मैं आपको यही शुभ समाचार देने के लिए ही तो यहाँ आया हूँ। स्वामी, व्रत तो आज संध्या काल तक चलेगा, तब जाकर समाप्त होगा। महारानी, जब इच्छा पूर्ण हो गई तो फिर व्रत कैसा? देखिए महारानी, मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे वापस जाना है, किंतु उस विजय के दर्शन के लिए मैं आपको अपने साथ ले चलूंगा। लीजिए ये जल, इसका पान कर 6 मास वाले व्रत का उद्यापन कीजिए। सोच क्या रही है महारानी? कुछ प्रहर पहले व्रत समाप्त कर देने से उसकी महत्ता कम नहीं हो जाती? इसके अतिरिक्त पति का वचन भी तो कुछ होता है। Thank you.
स्वामी, मैंने अपना व्रत तोड़ दिया, अब आप रणभूमि की ओर जाइए, जहां विजय आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मैं भी राजधानी लौट जाती हूं, मैं वहीं आपके आगमन की प्रतीक्षा करूंगी। हमारा मधुर मिलन तो अभी शेष है। ऐसे अवसर पर मुझे प्यासा छोड़कर चली जाओगी? नहीं, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मेरी पराजय नहीं, मेरी
आप त्रिलोकीनाथ हैं। मैं तो आप ही को प्राप्त करना चाहती थी, किंतु तुलसी बनने के पश्चात मेरे भाग्य में शंखचूड़ ही लिखे थे। मैं प्रथम बार धरती पर नारी बनकर आई, किंतु आपने मुझे धरती की नारी के नियम भी नहीं निभाने दिए। आपके स्पर्श ने मुझे मेरे पति के योग्य नहीं रहने दिया। मैं जानती हूं कि यह भूल मेरे पति की है, कि वो अहंकारी है, अभिमानी है। उन्होंने क्या मानव, क्या देवता, किसी को नहीं छोड़ा, किंतु दंड तो उन्हें मिलना था। मेरा क्या दोष था? आपके कारण मेरे पति शंखचूड़ का वध होगा, किंतु वैधव्य का दोष तो मुझे लगेगा। महादेवी, वास्तव में तो मैं आपका पति हूं। हम दोनों तो अनंत काल से पति पत्नी हैं। आपका शंखचूड़ की पत्नी होना उस शाप का परिणाम है जो देवी सरस्वती ने आपको दिया था, और आपको शाप से मुक्त करने के लिए मुझे अपने हृदय पर पत्थर रखकर यह अनुचित व्यवहार करना पड़ा। जो कुछ किया वो मेरी लक्ष्मी रूप की मूर्ति के लिए किया, किंतु तुलसी के रूप में तो मैं शंखचूड़ की पत्नी हूं, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं। आप पाषाण बन जाएंगे। रुकिए देवी, रुकिए। यदि विष्णु पाषाण हो गए तो संसार का पालन पोषण कौन करेगा? नहीं देवी, ऐसा अनर्थ ना कीजिए, अपना शाप वापस ले लीजिए। नहीं ब्रह्मा जी, धनुष से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता। फिर भी मैं केवल इतना कर सकती हूं कि कल्याणकारी विष्णु का एक रूप पत्थर का ही होगा, और वो होगा उनका शालिग्राम रूप। संसार जिसकी पूजा करेगा अब तो मैं निशान त्याग सकती हूं। देवी, मैं आपको एक वरदान देता हूं, त्यागने के पश्चात आपका यह शरीर गंडकी नदी में परिवर्तित हो जाएगा, और आपके केशों से उत्पन्न होगी तुलसी। जिस घर में तुलसी होगी उस घर में लक्ष्मी का वास होगा, और उस घर से रोग और व्याधियां सदा के लिए दूर हो जाएंगे, और वहां का वातावरण पावन हो जाएगा। धन्यवाद है नारायण कि आपने मुझ पापिन को वर दिया।